हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकेश टू में। आज की बात करने वाले नेशनल स्कूल पोर्टल में काफी बच्चों के पास बहुत सारे मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं एनएसपी के द्वारा। काफी मैसेज कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, रिमाइंडर डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन आईडी है एनएसपी ऑफर इजी रिन्यूअल ऑप्शन फॉर यू असेसमेंट 2022 से। अगर आप रिन्यूअल नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, आपको आपके पास इजी ऑप्शन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार मैसेज आ रहा है और कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको फटाफट दो काम करने पड़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दो काम करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये मैसेज आया तो भी इस वीडियो को देखें, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो भी इस वीडियो को 101% देखें, क्योंकि ये मैसेज आज या कल आपके पास आने वाला है, डेफिनेट आने वाला है। क्यों आ रहे हैं इस प्रकार के मैसेज, आपको करना क्या होगा, क्या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में कोई डिले तो नहीं होगा, कोई बाद में करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इस वीडियो में सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। इसी वीडियो को धैर्य के साथ एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, नेशनल स्कूल पोर्टल खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिन बच्चों के पास रिन्यूअल करने का मैसेज आ रहा है बार बार, वो बच्चे क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उन बच्चों को लास्ट डेट खत्म होने से पहले पहले अपने फॉर्म को रिन्यूअल करना होगा। मैं बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स को छोड़कर जितने भी स्कीम्स हैं, यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, सेंसेटिव स्कीम हो गया, बाकी और स्कीम में वो बच्चे 30/11/2022 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 30/11/2022 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ इस चीज को, जिन बच्चों का फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए नहीं हुआ है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, फॉर्म भर लिया है उन लोगों ने, फिर भी उनके पास मैसेज आ रहा है इंस्टीट्यूट वेरीफाई करने का, वो बच्चे फटाफट अपने कॉलेज में जाइए। कॉलेज में जाने के बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो भी लास्ट डेट है, मैं बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स मैंने खोल लिया है, इस फॉर्म की जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लास्ट डेट है 16/10/2022 है। और जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स निकालता हूँ, इसकी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट 15/11/2022 है। तो आपको इस डेट से पहले पहले अपने इंस्टीट्यूट के पास जमा करना पड़ेगा अपने कॉलेज जो हार्ड कॉपीज है, जिसकी जो एनएसपी की हार्ड कॉपी आएगी, वो इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट मांगेगा वो आपको देने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फटाफट ये काम करने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि अगर डिले हो जाए तो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आपका रुक जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले ही अपने कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कीजिए। अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपसे गुजारिश है फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, फॉर्म अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों को जिनके पास रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे क्या करेंगे। रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे अपने कॉलेज में जाके, कॉलेज के पास जाके अपने जो प्रिंसिपल है उनसे एग्रीगेट मार्क्स पूछ कर एनएसपी में ढाल लेंगे, जिससे बाद में जो भाई एनएसपी इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा तब वो फॉर्म को एडिट कर लेगा उस टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट आएगा एक कुछ दिनों में, आने वाला है तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि रिजल्ट टाइम लग सकता है, लास्ट डेट जा भी सकती है, तो आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए होने वाला है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस मैसेज के थ्रू, ठीक है, आपको करना क्या चाहिए। तो जल्दी से अगर मैसेज आया इंस्टीट्यूट वेरीफाई का, जल्दी से अपने कॉलेज में जाइए, फटाफट कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जमा करवा के आइए। और दूसरी बात, जिनके पास रिन्यूअल का मैसेज आ रहा है वो बच्चे फटाफट रिन्यूअल कीजिए। अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे जिसको देखकर आप आसानी से बिना कोई गलती के रिन्यूअल कर सकते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय।